तो गाइज मैं रुखसाना सैफ़ी आज लेकर आई हूँ आपके लिए आम का अचार, वो भी बिना धूप के। आपको धूप लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सालों चलने वाला आम का अचार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स सी हाउ टू मेक इट। तो यहाँ गाइज मैंने ले लिए हैं 4 kg आम, ये देसी आम है। अच्छा, आम कोई भी हो सबका अचार पड़ ही जाता है, कोई टेंशन नहीं है, बस ये एकदम फ्रेश होना चाहिए। और देख लें कि कट्स वगैरह ना हो। और देखिए ये आम मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं टैप के नीचे। वॉश करने के बाद में आप इसे किसी सूती कपड़े से या टॉवल से अच्छे से इनको पोंछ लें, कोई भी नमी इन आमों में नहीं रहनी चाहिए। और पोंछने के बाद भी मैं इसे 2-3 घंटे ऐसे ही रखे रहने दूँगी, जिससे इन आमों में ज़रा भी नमी ना रहे और ड्राई हो जाएँ। तो ये देखिए गाइस, हमने अच्छे से इनको फ़ैन के नीचे रख दिया था पोंछ कर, तो ये अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, 2-3 घंटे तक मैंने इनको रखा था। तो अब हम इन्हें कर लेते हैं कट। तो ये देखिए गाइस, हमने इनको छोटे बड़े सभी तरह के टुकड़ों में मैंने कट किया है, वो इसलिए कि कभी किसी का छोटा पीस लेने का दिल चाहता है, कभी किसी का बड़ा, तो उसी हिसाब से मैंने इनको कट किया है। अच्छा, जिन आमों की गुठलियाँ हार्ड नहीं होती हैं तो वो इजीली नाइफ़ से कट जाती हैं, लेकिन ये थोड़ी हार्ड हैं। और वैसे भी ऐसी ही अमियों का अचार अच्छा डलता है और अच्छा भी लगता है खाने में, जिसमें जाली पड़ जाए। और देखिए जाली वाली अमियाँ हैं तो थोड़ा सा मेहनत लगी है मुझे इन्हें कट करने में, अदरवाइज़ आप बिना जाली वाली अमियों का अचार भी डाल सकते हैं, लेकिन वो साल भर नहीं चलता है, वो जल्दी ख़त्म करना होता है। और देखिए मैंने कट करके इसे प्लास्टिक की बास्केट में ले लिया है, वो इसलिए अगर आपने स्टील या एल्युमिनियम का बर्तन लिया तो आम एसिडिक होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, तो आपका बर्तन तो काला होगा ही होगा, आपके अचार का कलर भी चेंज हो जाएगा, तो आप प्लास्टिक का ही लें। तो देखिए अब हम यहाँ कुछ मसाले ही इसमें ऐड करेंगे, अभी सारे मसाले हम ऐड नहीं करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ मैंने ये 2 चम्मच हल्दी इसमें ऐड कर दी है, ठीक है, बाद में भी हम डालेंगे बाकी मसालों के साथ। 1/2 teaspoon से भी कम मैंने यहाँ हींग ऐड कर दी है, और बाकी हम बाद में भी डालेंगे। और 1/2 kg हमने नमक यहाँ ऐड कर दिया है, तो 4 kg अचार है अमियों का, तो इसमें 1/2 kg नमक चला जाएगा। और इसको हम कर देते हैं अच्छे से मिक्स। तो देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद में हम इसे ढककर रख देंगे, और 24 घंटे बाद फिर हम इसमें सारे मसाले मिक्स करेंगे। तो मिलते हैं 24 घंटे बाद। तो ये देखिए, ये हमारे 24 घंटे हो चुके हैं, और हमारे अचार ने देखिए कितना पानी इतना रिलीज़ कर दिया है इसने, ये देखिए कितना पानी इसका निकला है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इस पानी को अलग कर देते हैं तब अचार डालते हैं, लेकिन मैं पानी अलग नहीं करने वाली, मैं इस पानी के साथ ही इस अचार को डालूंगी, क्योंकि ये जो पानी है हमने अलग से नहीं डाला है, ये इसी का रिलीज़ किया हुआ पानी है, इसलिए अचार कभी ख़राब नहीं होता इस पानी की वजह से। तो अब हम कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पैन ले लिया है, और पैन में मैंने डाल दिया है 10 चम्मच मेथी दाना, और 5 चम्मच मैं यहाँ सौंफ ले लूँगी, और मैंने यहाँ 12 चम्मच ले ली है बारीक वाली राई, अगर आपके पास मोटी वाली है तो आप वो भी ले सकते हैं। और देखिए इन सब चीज़ों को मैंने इस वाली चम्मच से मेज़र किया है, जो खाने वाली चम्मच होती है जिससे हम राइस वगैरह खाते हैं, उसी चम्मच से मैंने इसको मेज़र किया है। और ये मैंने ले ली हैं 30 के करीब लौंगें। अच्छा, लौंग यहाँ कम लेनी है आपको, ज़्यादा नहीं लेनी है, नहीं तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता है अचार में, और आप कम डालेंगे तो वो अच्छी लगेंगी। तो मैंने यहाँ 30-35 के करीब लौंग ले ली हैं। अब मैं इन सब चीज़ों को कर लूँगी गर्म, बस 2 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर इनको अच्छे से स्टर कर लेंगे इन मसालों को, जिससे कि इनकी नमी ख़त्म हो जाए और हमारा अचार ख़राब ना हो, सालों साल चले। तो देखिए इसे हम अच्छे से गर्म करने के बाद में फिर ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद में हम इनको कर लेंगे ग्राइंड। तो ये देखिए मैंने ठंडा करने के बाद में इनको कर लिया है ग्राइंड, और यहाँ देख सकते हैं अब मैंने इनको कोर्सली ही ग्राइंड किया है, ज़्यादा बारीक पाउडर ना बनाएं। और इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ, और प्लेट में निकालने के बाद में मैं सारे मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने ये कलौंजी ले ली है, और ये मैंने ली है 4 चम्मच। देखिए कलौंजी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें, अदरवाइज़ ना डालें, वैसे ये आँखों की रोशनी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, इसलिए मैं ज़रूर से इसे ऐड करती हूँ अचार में। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 12 चम्मच भर के मेरी घर की कुटी हुई मोटी मिर्चें हैं, ये मैंने 12 चम्मच इसमें ऐड कर दी हैं। आप बाज़ार का भी चिली पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसा आप तीखा खाते हैं वैसा डालें। और देखिए यहाँ 3 चम्मच मैंने भर के डाल दिया है ये हल्दी पाउडर, ये मैंने पहले भी डाला था 2 चम्मच, तो इसलिए मैंने यहाँ 3 चम्मच ऐड किया है। और अब मैं डालूँगी इसमें हींग, हींग भी मैं दोबारा से डाल रही हूँ, पहले भी ऐड कर चुकी हूँ, तो 1/2 teaspoon मैंने यहाँ हींग शामिल कर दी है। अच्छा, अगर आपको अब एक अच्छा कलर चाहिए अचार में, तो आप यहाँ 3 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए अगर आपको इस अचार में हल्की सी मिठास चाहिए, जैसे ज़्यादा खट्टापन होता है ना आम के अचार में,
तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं इसमें ये 4 चम्मच शक्कर इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ चीनी भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इससे हमारा अचार थोड़ा सा हल्का सा कम खट्टा लगता है और हल्की सी मिठास आती है तो वो अच्छी लगती है। अदरवाइज़ आप ना डालें अगर आपको पसंद नहीं है तो। और ये सारे मसाले मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिए हैं और साथ के साथ मैं यहाँ 250 ग्राम यहाँ सरसों का तेल भी ऐड कर देती हूँ और बाकी हम डब्बे में भरने के बाद भी ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ ये सरसों के तेल को ऐसे ही ऐड कर दिया है और कुछ लोगों को इसकी स्मेल पसंद नहीं होती है तो वो इसे गर्म करके और ठंडा करके तब इसमें डालें, ठीक है। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और अब हमें एक बर्तन लेना है, जिस बर्तन में भी आप इसको स्टोर करके रखें वो बर्तन आप पहले से ही धूप में सुखा लें अच्छे से, या आप माइक्रोवेव में भी ड्राई आउट कर सकते हैं अच्छे से। और जो कांच की बर्नी आती है ना बाज़ार से अचार वाली, उसमें भी आप फिल कर सकते हैं, या आपके पास गिलास के कंटेनर हो तो उसमें भी आप इसे फिल कर सकते हैं। प्लास्टिक के डब्बे में अचार ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं तो आप कोशिश करें कि गिलास की बर्नी ही लें। तो इस तरह से आप इसको डालकर रख सकते हैं और ये सालों साल नहीं ख़राब होने वाला। और देखिए इसको हम अब डिप कर देंगे सरसों के तेल से अच्छे से, जितनी फांकें इसमें डूबी रहेंगी तब तक हमारा अचार ज़्यादा चलेगा, इस बात का ख्याल रखें। तो मैं यहाँ ये ऑयल भी इसमें फिल कर देती हूँ और फांकों को हम नीचे इस तरह से प्रेस करके नीचे दबा देंगे जिससे कि तेल में अच्छे से डूबी रहें। और जब भी आप अचार निकालें तो ध्यान रखें कि स्पून एकदम ड्राई होनी चाहिए, ज़रा भी नमी हमारी स्पून में नहीं होनी चाहिए। तो बस मॉइस्चर से इसे बचा के रखेंगे तो अचार काफ़ी टाइम तक चलता है। और बिना धूप का अचार भी मेरे यहाँ काफ़ी दिन तक चलता है, कोई ज़रूरत नहीं है धूप लगाने की। आप इसे किचन काउंटर पर ही रखकर छोड़ दें और टाइम टाइम पर आप इसे किनारों से टिश्यू पेपर से साफ़ करते रहें जो भी मसाला वगैरह लग जाता है। और जिस कंटेनर में भी डालें उस कंटेनर को पूरा ऊपर तक फुल ना करें क्योंकि हमें हिलाने के लिए जगह भी रहनी चाहिए, क्योंकि अचार को हमें ऊपर नीचे भी करना है अभी 2-4 दिन तक। आई होप आपको मेरा ये बिना धूप का अचार डालने का तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सप्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।